हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है सुप्रसिद्ध गायिका किशोरी अमोनकर जी के जीवन के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किशोरी अमोनकर जी का जन्म सन 1932 में हुआ था। जयपुर अतरौली घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। उस्ताद अल्लादिया खां की शिष्या श्रीमती मोगूबाई जी, जो कि इनकी माता का नाम है, इन्होंने अपने बेटी किशोरी जी को एक श्रेष्ठ गायिका बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किशोरी जी को वर्षों तक एक ही राग की जो है शिक्षा दी गई, और जब उनकी माता जी ने देखा कि किशोरी राग की आत्मा पकड़ने में समर्थ हो गई हैं, तो उन्होंने उसे अपने सांगीतिक विकास के लिए पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र छोड़ दिया। बड़े अनुशासन में रहकर किशोरी अमोनकर जी ने संगीत की शिक्षा जो है प्राप्त की थी। गायन में प्रांगत होने के बाद किशोरी अमोनकर जी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। गायन में प्रांगत होने के बाद उन्होंने संगीत के शास्त्र पक्ष का भी गहराई से अध्ययन किया और भाव तथा रस की महत्ता समझकर अपने गायकी में नए आयाम स्थापित किए। ठुमरी गायन में भी किशोरी जी इतने ही दक्ष हैं जितने कि ख्याल गायन में। किशोरी अमोनकर के शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं, जिन्होंने इनसे जो है शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य जो हैं वो इस प्रकार हैं: माणिक भिड़े, अश्वनी भिड़े, आरती, पुरिंदर आदि। किशोरी अमोनकर जी ने शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्रों ने के लिए इसी नाम का टाइटल सॉन्ग भी गाया, लेकिन इस क्षेत्र के कटु अनुभव ने उन्हें भविष्य में फिल्मी गीत गाने से विलग रखा। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 2017 में हुई थी। थैंक यू।